देखिए, इस वीडियो बनाने के पीछे पर्पस यही है कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर करके पूछ रहे थे कि सर अब क्या एग्ज़ाम सितंबर तक पोस्टपोन होगा, अब सर क्लियर कर दीजिए कि सितंबर में भी पोस्टपोन हो सकता है क्या, या फिर हम पढ़ाई शुरू कर दें। तो ये उन लोग के लिए है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सितंबर में भी पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि अभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि नीट को अब आगे पोस्टपोन करा जाए। तो इस वीडियो में मैंने वही समझाया है। कृपया कमेंट्स में ये ना लिखे कि सर आप हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोग के लिए जो लोग ऐसा सोच रहे कि सितंबर में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे, आपको कन्फर्म है, तो ये वीडियो आप प्री मच, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप आगे देख सकते हैं। नीट और जेई मेन्स दोनों ही एग्ज़ाम्स को सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कई लोग को सवाल है अभी कि क्या ये फर्दर पोस्टपोन होगा, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि कोरोना के केसेस तो उस टाइम भी बढ़ेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सर कोरोना तो बढ़ ही रहा है ना, तो फिर एग्ज़ाम कैसे पोस्टपोन नहीं होगा, और सेफ्टी का इशू तो तब भी रहेगा। तो यार मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम पोस्टपोन करेंगे। इसके पीछे कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो बात है एकेडमिक कैलेंडर की, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम और पोस्टपोन होता है सितंबर से लेकर के, और अगर जाता है शिफ्ट होता है दिसंबर तक, तो फिर क्या होगा कि यार आपका एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस और आपका जितना भी सीट अलॉटमेंट है, इस सब का प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, इसका इफेक्ट आपका डायरेक्ट डिग्री पे आएगा। जो आपकी डिग्री होती है 5 साल की, 5.5 साल की, उस पर भी इफेक्ट आएगा। MBBS की जो डिग्री होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, तो ये सारी डिग्रियों पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि इनकी जो डेट्स होती है फिक्स्ड होती है कि यार इतने अगर आपने एडमिशन लिया है, डेट ऑफ द एडमिशन, तो यार उसके जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। पर अगर आपका पोस्टपोन होता है तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अभी हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडमिशंस होते हैं इस टाइम पर, तो पर अभी तक एग्जाम्स कंडक्ट भी नहीं हुई है। तो यार इस कारण से एकेडमिक कैलेंडर पे जो इफेक्ट पड़ेगा, ये गवर्नमेंट पे भी पड़ेगा और आपके फ्यूचर पे भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा अगर पोस्टपोन होता है। तो होप रखिए कि पोस्टपोन ना हो और एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए सेप्टेम्बर में। और यार जिन लोग की तैयारी वगैरह नहीं हुई है, तो ऑलरेडी इतना टाइम मिला था, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आपको ड्रॉप लेके वापस ट्राई करना चाहिए। पर आप ये मत सोचिए कि पोस्टपोन होगा, समझ लीजिए, ठीक है। और मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि कोरोना वैक्सीन जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, और यार मैं मानता हूँ कि 1 से 2 महीने में एक फुल प्रूफ हमें एक रिजल्ट मिल सकता है, जिसमें कि हमें 100% अश्योरिटी हो कि ये वैक्सीन मिल चुका है। तो यार ये जो वैक्सीन पे काम चल रहा है, वैक्सीन डेवलपमेंट चल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है और काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज लगी हुई है, तो इस पर भी जल्दी से जल्दी काम आएगा। और क्योर अगर निकल जाता है किसी भी डिजीज़ का, तो फिर उससे डरने की इतनी ज़्यादा बात नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताऊँ, तो सेफ्टी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं अभी, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ नई नया सेफ्टी मेजर्स आ रहे हैं। तो यार मैं आपको बताऊँ, एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है आने वाले टाइम में। सारे सैनिटाइजेशन के रूल्स और सारे के सारे जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपको मास्क भी ना लगाना पड़े, और आप सिंपली आके वहाँ पर जो है सिर्फ एक मशीन के थ्रू आप जाएंगे, और उसके थ्रू आपको सिर्फ सैनिटाइज करा जाए, या फिर कुछ इस तरह का मेजर्स आगे जाके ले सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहे हैं साइंस में, ये सब आपको हेल्प करेंगे, किसी भी तरह से आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे। तो यार गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए, तो आप लोग भी उसकी सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत बड़ा जिम्मा होता है गवर्नमेंट पर भी कि पूरी एक बैच जो है 2020 की जो बैच है उससे पास करवाना है, और उससे जो है MBBS, BDS और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है। तो आप अब ऐसा मत सोचिए कि पोस्टपोन होगा सितंबर के बाद, पर देखते हैं कि अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई तो मैं कहूँगा 0.11% अभी भी चांस है। पर मैं यही कहता हूँ कि अब नहीं हो सकता पोस्टपोन, बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी। एकेडमिक कैलेंडर पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है, इतनी डेट्स 2-3 महीने 4 महीने कितना तो हमने ऑलरेडी इसको एक्सटेंड कर दिया है, और फर्दर पोस्टपोन का अब मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। तो इसलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जी जान से पढ़ाई करें, और जितना भी नंबर हम ला सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतना पूरा स्कोर करें। थैंक यू वेरी मच यार, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएं, और फिर अगर आप सिलेक्ट हो तो फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट आकर जरूर करना कि सर मैं इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ, और सर थैंक यू वेरी मच। बस तो यही था एक छोटा सा वीडियो, और अगर आपको कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए यार।